तो मैं अपने टॉप 5 जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर प्यू सीरम, इसका नाम है एस्कॉर्बिक FE, सेसडर्मा का सीविट सीरम। थर्ड में डिस्कस करना चाहूंगा बायोडर्मा का पिगमेंट बायो सी कॉन्सेंट्रेट, डर्मास्यूटी कंपनी का, इसको बोलते हैं C25 क्रीम। फिर टॉप ऑफ द लाइन विटामिन सी सीरम, ये एक प्रो हील सीरम है। हेलो, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंधी हूँ, मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल के बारे में बात करने वाला हूँ जो है विटामिन सी। विटामिन सी आजकल मोस्ट पॉपुलर कंपाउंड हो चुका है जो ऑलमोस्ट हर स्किन रेजिमेंट में मौजूद होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्किन के कंसर्न्स होते हैं वो विटामिन सी से ठीक किए जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन सी का रोल होता है कि वो ग्लो और शाइन लेकर आता है हमारी स्किन में। ऐसा कौन इंसान है जो ये नहीं चाहता कि उसकी स्किन ग्लो करे ना या उसकी स्किन शाइन ना करे। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी स्किन को अप्रिशिएट करें, जैसे बोलते हैं अरे आपकी तो स्किन लाइटें मार रही है। ये जो जादू वाला जो रिजल्ट है ये विटामिन सी से आता है। विटामिन सी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, विटामिन सी का बेनिफिट ये है कि वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं जिनको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। इनके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस या फिर पोल्यूशन या फिर डस्ट पार्टिकल्स, या फिर अगर स्किन में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन चल रही हो तो वो इस तरह के फ्री रेडिकल्स बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। इनके बिल्ड होने से हमारी स्किन डल लगने लगती है। नंबर टू, हमारी स्किन में एजिंग के साइंस बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि फाइन लाइंस, रिंकल्स, अनइवन स्किन टोन। इन सब चीज़ों को विटामिन सी ठीक कर सकता है क्योंकि वो इन फ्री रेडिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसकी एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। नंबर टू, विटामिन सी एक कामिंग इफेक्ट देता है स्किन पे, वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का मतलब ये होता है कि अगर हमारी स्किन में कोई भी तरीके की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसको काम कर देता है, स्किन को थोड़ी सी ठंडक पहुंचाता है। तो अगर किसी की स्किन में भी एलर्जी चल रही है तो उस एलर्जी को भी ठीक करने में वो हेल्प करता है। ये विटामिन सी के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। एक और यूज़ ये है कि विटामिन सी जो हमारे ब्लेमिशेस होते हैं, ब्लेमिशेस को भी ठीक करने में हेल्प करता है। तो अब हम ये कैसे समझें कि विटामिन सी को यूज़ कैसे करना है और विटामिन सी कौन सा हम बाय करें, क्योंकि मार्केट में इतने सारे अलग अलग तरीके के विटामिन सी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि विटामिन सी आप कैसे चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विटामिन सी का फॉर्मुलेशन क्या है। विटामिन सी 3 मेन फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है, सीरम, क्रीम्स और लोशन। तो जो सीरम होता है उसका जो बेस होता है वो वाटर होता है, वाटर में वो सस्पेंडेड होता है। और ये मोस्ट फॉर्मुलेशन है जिसमें विटामिन सी यूज़ होता है। इसका एडवांटेज एक तो ये है कि उसका स्किन के अंदर सबसे ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन होता है, तो जितना डीप वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगा उतना अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन प्रॉब्लम उसकी ये है कि वो वाटर बेस्ड है, उसको एक ड्रॉपर से यूज़ करना पड़ता है, तो अगर हमारा ड्रॉपर हल्का सा भी हिल गया तो सारा जो वो सीरम है वो वेस्ट हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सीरम फॉर्मुलेशन में विटामिन सी थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, तो उसको हमें एक बार हम बॉटल ओपन अप कर लेते हैं तो बहुत जल्दी यूज़ करना पड़ता है, बहुत लंबे तक उसको नहीं रख सकते हैं क्योंकि वक्त के साथ उसका जो पोटेंसी है या उसका जो पावर है वो कम होने लग जाता है। थर्ड, विटामिन सी सीरम हम उन लोगों में नहीं यूज़ कर सकते जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उनको रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्रीम बेटर रहती है। क्रीम का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ सकता जितना सीरम का आता है, लेकिन जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है या जिन लोगों की स्किन डेलिकेट है या जो लोग को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, वो विटामिन सी की स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर सकते हैं या हर रोज़ नहीं लगा सकते हैं, उनके लिए क्रीम फॉर्मुलेशन बेटर रहता है। लोशन फॉर्मुलेशन बेटर है बॉडी एरियाज़ के लिए जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी यूज़ करना है, और क्योंकि लोशन की स्प्रेडेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। विटामिन सी बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है, वो 2% से शुरू होता है और 25% तक जाता है। अब ये जनरली हम ये सोचते हैं कि अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी ने किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करी है और वो किस तरह का रिजल्ट दे रही है। अब हमारे सबसे फेवरेट विटामिन सी सीरम्स कौन से हैं, क्रीम्स कौन सी हैं, तो मैं अपने टॉप 5 जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला है ये क्लियर प्यू सीरम, इसका नाम है एस्कॉर्बिक FE। ये एंट्री रेंज विटामिन सी सीरम है, इसका कॉस्ट अबाउट 1200 रुपीज है और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगा सेसडर्मा का सीविट सीरम, ये अराउंड 2600-2700 रुपीज़ का कॉस्ट करता है। ये एक सीरम फॉर्मुलेशन में है, इसके साथ एक ड्रॉपर आता है और ये कम से कम 2-3 मंथ्स चलता है। इसमें एक एडवांटेज ये है कि इसमें एक नैनोटेक टेक्नोलॉजी है, तो इस कंपनी ने इसको इतने मॉलिक्यूल्स है इसको इतना ज़्यादा छोटा कर दिया है, नैनोटेक्नोलॉजी की फॉर्म में कर दिया है, तो ये बहुत डीप पेनिट्रेट कर सकती है। तो जितना ज़्यादा ये पेनिट्रेट करेगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। थर्ड में डिस्कस करना चाहूँगा बायोडर्मा का पिगमेंट बायो सी कॉन्सेंट्रेट,
तो क्या होता है कि जब एक मॉलिक्यूल एक फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री से वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर से वो केमिस्ट के पास पहुंचता है, और केमिस्ट से फिर वो फाइनली आपके पास पहुंचता है। तो इस सब प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लग जाता है, कई बार महीने भी लग जाते हैं, जिससे विटामिन सी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ये बायोडर्मा कंपनी ने एक फ्रेश विटामिन सी बनाया है, ये इतना फ्रेश है कि जो उसका लास्ट स्टेप है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसमें एक पाउडर है और एक सीरम है जिसको आपको सेल्फ इंजेक्ट करना पड़ता है और इसको हिला के फ्रेश स्टॉक बनाना पड़ता है। जब एक बार आप इसको बना लेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ 2 मंथ्स रहती है और 2 मंथ्स में इसको यूज करना होता है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उनके लिए ये विटामिन सी सीरम है डर्मास्यूटी कंपनी का, इसको बोलते हैं C25 क्रीम। ये एक क्रीम फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है, तो जिन लोगों की स्किन बहुत डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है, उनको ये यूज़ करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी खुद की स्किन बहुत डेलिकेट है, अगर मैं विटामिन सी सीरम अपने फुल फेस पे लगाता हूं तो बहुत अच्छा असर करता है, लेकिन यहां पे मुझे इरिटेशन हो जाती है, यहां पे मैं बिल्कुल विटामिन सी सीरम फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाता हूं, तो मैं खुद एक क्रीम यूज़ करता हूं क्योंकि मुझे वो ज़्यादा सूट करती है। फिर टॉप ऑफ द लाइन विटामिन सी सीरम, ये एक प्रो हील सीरम है, इसमें 15% एस्कॉर्बिक एसिड है और इसको नेचुरल क्लोवर लीफ एक्सट्रैक्ट से ये बनाया गया है। इट इज़ एब्सोल्युटली हर्बल, इट इज़ फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड आईएस क्लिनिकल। इसको हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए ताकि इसके अंदर एक तरह की फिज़ होती है, जैसे कोको कोला को खोलते एकदम से उसकी फिज़ बाहर निकल जाती है, इसके अंदर भी एक फिज़ होती है। तो अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे, उसको बहुत धीरे धीरे खोलेंगे, तो वो फिज़ की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है हमारे टॉप 5 विटामिन सी मॉलिक्यूल्स। अगर आपके मन में कोई भी और डाउट है, आप कुछ भी और बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।